Hello, students, welcome to my channel. Today we are going to read NCRT Geography class 6, chapter 5. So, let's get started. The name of the chapter is Major Domains of the Earth. So, as we know, how many major domains are there of the Earth? There are four major domains of the Earth one is lithosphere, another is atmosphere, third is hydrosphere, and the fourth is बायोस्फीयर तो अभी हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर क्या होता है तो लिथोस्फीयर होता है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव विच कॉल्ड लिथोस्फीयर जो सॉलिड पोर्शन है जो लैंड है जिस पे हम रहते हैं उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं एटमोसफेयर किसे कहते हैं द गैसियस लेर्स डेट सराउंड अर्थ जो गैसियस लेयर्स है जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है उसे हम एटमोसफेयर कहते हैं और जो वाटर है कवर ए बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस इज कॉल हाइड्रोस्फीयर तो वाटर है जो बहुत सारे एरिया को कवर किया है कितने एरिया को कवर किया अर्थ का वाटर लगभग टू बाई थर्ड एरिया को कवर किया हुआ है डेट इज हाइड्रोस्फीयर बायोस्फेयर क्या होता है तो बायोस्फेयर हम फिगर से देखते हैं कि बायोस्फेयर जहां पे एटमोस्फियर लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर ये तीनों मिलते हैं और लाइफ को सस्टेन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बायोस्फीयर कहते हैं जैसे देखिए इधर आपका लैंड है इधर वाटर है इधर एयर है ये तीनों जब मिले हैं तो यहाँ पे लाइफ सस्टेन, सस्टेन होता है जैसे यहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट एनिमल्स रहते हैं इधर फिश रहती हैं अलग अलग लाइफ को ये सस्टेन करते हैं बायोस्फीयर अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल में थोड़ा तो द सॉलिड पोर्सन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्पियर सॉलिड पोर्सन ऑफ द अर्थ को हम लिथोस्पियर कहते हैं इट कम्प्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिय एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनाइज ये क्या कंप्राइज करता है रॉक्स अर्थक्रस्ट का और ये थिन लेयर सॉइल का होता है मिट्टी का जिसमें जो न्यूट्रिय होते हैं वो सस्टेन ऑर्गेनाइज जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज में होते हैं उनको सस्टेन करता है ये लाइफ देर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस द लार्ज लैंड मार्स आर नॉन एज कॉन्टिनेंट दो डिविजन होते हैं अर्थ सर्फेस का है. एक तो होता है लैंड मास और दूसरा होता है वाटर बॉडीज तो लैंड मास जो ह्यूज लैंड मास है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं और जो ह्यूज वाटर बॉडीज है उसे हम क्या कहते हैं ओशियन बेसिन कहते हैं तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं अर्थ पे तो सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं ठीक आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से हैं कैसे है द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच टेकन है जीरो हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो हम दे, देखा होगा रेलवे स्टेशन पे जो बोर्ड लगा होता है स्टेशन का उसमें लिखा हुआ है कि हाइट अब सी लेवल तो सी का जो हाइट है ना वो हम, वो सब जगह सेम होता है तो इसी से हम एलिवेशन मानते हैं तो अगर मान लीजिए कि यहाँ है ये तो ये सी लेवल है तो यहाँ से इसका जो हाइट होगा तो ये है एब सी लेवल किसी भी मान लीजिए लैंड का हमें हाइट निकालना है तो हम एब सी लेवल ले लेते हैं मान लीजिए यहाँ का हाइट निकालना है तो इसे हम जीरो मानेंगे ठीक यहाँ से इसका हाइट जितना होगा उसे हम कहेंगे ये इसका हाइट है एब सी लेवल सेवन कॉन्टिनेंट जो मैंने आपको बताया था वो ये है एशिया नंबर वन फिर ये है अफ्रीका नंबर टू ये है नॉर्थ अमेरिका नंबर थ्री ये है साउथ अमेरिका नंबर फोर ये है अंटार्कटिका नंबर फाइव ये यूरोप नंबर सिक्स और यह है ऑस्ट्रेलिया नंबर सेवन तो ये इनका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर भी है ठीक ना वन जो एशिया है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उससे छोटा अफ्रीका है उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका है उससे छोटा साउथ अमेरिका है उससे छोटा अंटार्कटिका है उससे छोटा यूरोप है और उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया है तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है ऑस्ट्रेलिया है ठीक और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है वो है अपना एशिया और जो इंडिया है वो किस में आता है एशिया में ही आता है आप थोड़ा ओशियंस के बारे में इसी में देख लेते हैं फिगर में बाकी आपको बाद में जब थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा तो ये है हमारा पैसिफिक ओशियन ठीक ये ग्लोब को खोला हुआ है समझिए तो ये पैसिफिक ओशियन और ये पैसिफिक ओशियन दोनों तरफ पैसिफिक है ये जब इसको हम मोड़ेंगे ग्लोब टाइप ग्लोब गोल कर देंगे तो ये दोनों पीछे जाके मिल जाएगा तो ये एक ही है अलग अलग नहीं है पर इस पर फिगर में अलग अलग दिखाया गया है तो ये पैसिफिक ओशियन हो गया ये इंडियन ओशियन हो गया आपका और ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन हो गया ये आपका ठीक और ये जितने ओशियंस हैं और ये आपका साउथन ओशियन और ये आपका आर्टिक ओशियन तो जितने भी ओशियंस हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बस केवल अलग अलग ने नेम दिया गया है ताकि हम अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाए अदरवाइज जितने ये ओशियंस है पैसिफिक ले लीजिए अटलांटिक ले लीजिए आर्टिक ले लीजिए साउदन ओशियन इंडियन ओशियन सब एक दूसरे से जो है क्या है कनेक्टेड है ठीक अब देखिए ये एशिया कॉन्टिनेंट है ये यूरोप कॉन्टिनेंट है इसको अलग कौन करता है एक यूराल माउंटेन है यहाँ पे वो एशिया और यूरोप को अलग करता है ठीक इधर देख लीजिए यहाँ पे अफ्रीका में यहाँ का सहारा डेजर्ट है ठीक इसके ऊपर मेडिटेरियन सी है और अफ्रीका में ही लाइन जो रिवर है नाइल रिवर वो बहती है जो सबसे लंबी नदी है द लॉन्गेस्ट रिवर है ठीक और सबसे जो है लार्जेस्ट रिवर कहाँ बहती है वो है साउथ अमेरिका में वो क्या है अमेजोन रिवर है लार्जेस्ट का मतलब कि ज्यादा एरिया कवर करती है वो और ये क्या है ये लंबी नदी है नाइल तो हमेशा याद रखिएगा अगर लॉन्गेस्ट पूछता है ऑफ द वर्ल्ड तो नाइन नाइल रिवर होगा और अगर लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड पूछता है तो आपको एमेजॉन रिवर होगा ये डिफरेंस है ये ध्यान रखिएगा तो अभी हम आप मैप ये समझ गए हैं लगभग मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा आपको सब समझ में आ जाएगा ठीक और अच्छा ये ओशियन जो है सबसे जो बड़ा सबसे ओशियन कौन सा है तो वो है पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा है उसके बाद अटलांटिक ओशियन है उसके बाद आपका इंडियन ओशियन है उसके बाद साउदर्न ओशियन है उसके बाद आर्टिक ओशियन है मतलब आर्टिक ओशियन सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट है ये और सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है ये आपका पैसिफिक ओशियन है ठीक तो द हाइस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज एट एट फोर एट एट फोर एट मीटर्स एब लेवल द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ इलेवन थाउजेंड ट्वेंटी टू मीटर इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशियन अभी जो हाइएस्ट माउंटेन पीक क्या है माउंट एवरेस्ट है अपना तो ये कितना इसका हाइट है एट थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट अभी थोड़ा चेंज हो गया इसमें एट थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट एट सिक्स मीटर अभी पॉइंट एट सिक्स मीटर ये बढ़ गया है अभी चाइना एंड नेपाल ने इसे दोबारा नापा था तो ये इतना बढ़ गया है पॉइंट एट सिक्स मीटर और जो समुद्र में सबसे गहरा जो जगह है वो कहाँ पे है मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में है ये है पैसिफिक ओशियन इस तरफ है मरियाना ट्रेंच ठीक मैं आपको फिगर आगे दिखाऊंगा कि कहाँ पे है कॉन्टिनेंट मैंने आपको बता दिया एशिया यूरोप अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अटलान्ट ये सारे कॉन्टिनेंट हैं तो एशिया जो है सबसे बड़ा है मैंने आपको बता दिया इट कवर्स अबाउट वन थर्ड ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ एशिया क्या है वन बाई थर्ड जितने लैंड है उसका कवर करता है एशिया ठीक और एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है यूराल माउंटेन अलग करता है और यूरोप और एशिया को कंबाइंड रूप में हम क्या बोलते हैं यूरेशिया भी कहते हैं ये कुछ फैक्ट्स हैं इसको आप याद कर लीजिएगा कि हिलेरी और टेंजिंग नॉर्वे इंडिया का जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़े थे आ, 1953 में फिर जापान की फर्स्ट ओमेन जो थी जिनको ये चढ़ी थी इंडिया की फर्स्ट ओमेन बचेंद्री पाल थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी 1984 में तो ये फैक्ट्स इस, है इसे आप याद कर लीजिएगा अब एशिया के बाद हम यूरोप को देखते हैं तो यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया एशिया से काफी स्मॉलर है और बस ये ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है ठीक ना ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट इट इज बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑफ थ्री साइड ये आर्टिक सर्कल ऊपर ऊपर है ना आर्टिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री टू नॉर्थ पोल आर्टिक सर्कल है तो उस तरफ ही है ये ठीक ना और ये तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है जैसे देखिए ये आपका यूरोप है इधर आर्टिक ओशियन हो गया इधर अटलांटिक ओशियन हो गया इधर मेडिटेरियन सी हो गया तो तीन तरफ से ये घिरा हुआ है वाटर से अब अफ्रीका ले लीजिए अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है एशिया है अफ्रीका है ठीक अच्छा अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे देखिए अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये तीनों जो लाइन है ना प्लेटिट्यूड वो तीनों यहाँ से पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने पे था ट्वेंटी थर्ड एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ठीक ये जीरो डिग्री पे इक्वेटर होता है एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन ट्वेंटी थर्ड एंड हाफ डिग्री साउथ ये लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर ज्यादा पार्ट अफ्रीका किस तरफ है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में ही है सहारा डेजर्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका अफ्रीका में ही सहारा डेजर्ट है ऊपर की और नॉर्थ की तरफ अफ्रीका में नॉर्थ की तरफ सहारा डेजर्ट है ये आपका सहारा डेजर्ट है ठीक उसके बाद आपका नाइल रिवर जो है जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है मैंने बताया था आपको वो भी अफ्रीका से बहती है अब नॉर्थ अमेरिका में आ जाइए नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया अफ्रीका देन नॉर्थ अमेरिका इट इज निंग टू साउथ अमेरिका बाय ए वेरी नैरो स्टिप ऑफ लैंड कॉन स्थमस ऑफ पनामा और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है एक बहुत ही नैरो लैंड से जुड़ा हुआ है उसे हम कहते हैं स्थुमस ऑफ पनामा ठीक ये ध्यान रखिए रखिएमा से ये जुड़ा हुआ है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हमस्पियर और ये कॉन्टिनेंट किस तरफ है नॉर्दर्न नॉर्दर्न मतलब ऊपर की ओर और, और वेस्टर्न इस तरफ ही है ठीक अच्छा एक चीज बता रहा है कि थ्री ओशियन सराउंड कॉन्टिनेंट कैन यू नेम दिस आप फिगर में जब देखिएगा तो तीन जो है ओशियन सराउंड करता है इसे एक देखिए इधर पैसिफिक ओशियन वेस्ट की तरफ सराउंड करता है ठीक इसको ईस्ट की तरफ आठ नाइनटी क्वेश्चन राउंड करता है ठीक और इस तरफ आपका आठी क्वेश्चन करता है अब साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में है लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज है उसका नाम एंडीज है और एंडीज कहाँ पे है साउथ अमेरिका में ही है ठीक ये ध्यान रखिएगा साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर एमेजोन मैंने बताया था कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल है और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर जो लार्जेस्ट बेसिन जो बनाता है वो क्या वो कौन सा है अमेजॉन है ठीक अमेजोन जो अभी हम सामान लेते हैं ना अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग में वो इसी के नाम पे है ठीक ना ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट डेट लाइज इंटायरली इन द साउद हेमिसफेयर ऑस्ट्रेलिया आपका कहाँ है साउद हेमिसफेयर में है देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया में दिखा देता हूँ आपको ये ऑस्ट्रेलिया ये है साउथर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया ठीक और एक तरफ इसका क्या है पैसिफिक ओशियन है और एक तरफ इंडियन ओशियन है वेस्ट में इंडियन ओशियन है और ईस्ट में इसका पैसिफिक ओशियन है तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है कि आपका आ, सारे आ, तरफ से जो है चारों तरफ से समुद्र और ओशियन से घिरा हुआ है और इसीलिए आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं तो किस कॉन्टिनेंट को आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को अच्छा आप देखिए स्ट्रेट किसे कहते हैं स्ट्रेट इज ए नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी लाइक सी एंड ओशियन दो ऐसे लार्ज वाटर बॉडीज को जो कनेक्ट करता है नैरो पैसेज से ये जो नैरो पैसेज तो उसे हम क्या कहते हैं स्ट्रेट कहते हैं देखिए जैसे यहाँ पे क्या है बे ऑफ बंगाल को इधर इधर ये इंडियन ओशियन नीचे है तो इंडियन ओशियन से ये कनेक्ट कर रहा है ठीक ना तो ये स्ट्रेट है इसे इन, जो आपका श्रीलंका और इंडिया को जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है इसे क्या कहते हैं पाक स्ट्रेट कहते हैं ठीक ना पाक स्ट्रेट और इसे इस थ्यूमस तो आप मैंने आपको बता ही दिया कि दो एज ए नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेज नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है बिल्कुल और दो लैंड मास को ज्वाइन कर रहा है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को स्थ्यूमस ऑफ क्या है ये पनामा अब देखिए अंटार्कटिका जो अंटार्कटिका है अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज ए ह्यूज कॉन्टिनेंट द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट अंटान्टिका जो है में है और साउथ पोल के आसपास ही है साउथ पोलर रीजन और ये पोलर रीजन में है पोलर रीजन मतलब नीचे जो फ्रिजिड जोन हैेंटली कवर्ड वि थिक आइस से हमेशा कवर रहता है नो परमानेंट व्युमन सेटलमेंट वहां पर कोई परमानेंट व्युमेन सेटलमेंट नहीं है मेनी कंट्रीज है्टिका बहुत सारे कंट्रीज का रिसर्च स्टेशन है अंटार्टिका में और अपना इंडिया का भी रिसर्च स्टेशन वहां पर मैत्री और दक्षिण गंगोत्री यह देखिए यह है दक्षिण गंगोत्री गंगोत्री यह है देखिए इंडिया का झंडा यहां पर लगा हुआ है ठीक अब हम आते हैं हाइड्रोस्फियर तो अर्थ इज कॉन द ब्लू प्लानेट अर्थ को ब्लू प्लानेट हम क्यों कहते हैं बिकॉज टू बाई थर्ड ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विध वाटर एंड वेन वी सी द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड द स्पेस इट लुक्स लाइक ब्लू प्लान ठीक ना मोर देन सेवेंटी वन परसेंट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विट इज विध लैंड लगभग सेवेंटी वन परसेंट वाटर से कवर है और 29 जो ट्वेंटी ये क्या है इसका लैंड है ठीक और उसमें नाइंटी सेवन परसेंट लगभग ये जो सेवेंटी वन परसेंट वाटर में नाइनटी सेवन परसेंट लगभग ओशियन वाटर है डेट इज सॉल्ट सॉल्टी वाटर एंड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग ओनली फ्रेश वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर है वो कितना है पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ही केवल फ्रेश वाटर है जो ग्राउंड ग्राउंड वाटर है अब ओशियंस देख लेते हैं ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फियर हाइड्रोस्फियर का जो मेजर पार्ट वो क्या है ओशियन ही है और दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड मैंने पहले ही बता दिया कैसे इन सब सारे इंटरकनेक्टेड है देखिए ये ये पैसिफिक ओशियन पैसिफिक ओशियन या आपका अटलांटिक ओशियन इंडियन ओशियन साउदर्न ओशियन सारे सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से ठीक मरियाना ट्रेंच जो है ये ये पैसिफिक में है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है और इधर आपका एशिया एशिया के आसपास है ठीक तो ये है मरियाना ट्रेंच यहाँ पे और ये जो मैडम है इनका नाम है कैथी सुलिवान ये जो है अमेरिका की है एस्ट्रोनॉट भी हैं ये फर्स्ट वुमेन है जो ये मरियाना ट्रेंच के जो डीपे डीपेस्ट पार्ट है मरियाना ट्रेंच में वहां तक ये गई है ठीक इसे चैलेंजर डीप भी कहा जाता है ठीक ना चैलेंजर डीप लगभग ग्यारह हजार जो है मीटर ये नीचे गहरा है द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन मैंने आपको बता दिया पैसिफिक सबसे बड़ा है इट इज स्प्रेड ओवर वन बाय थर्ड ऑफ द अर्थ अर्थ का जितना साइज है उसका वन बाई थर्ड जो है वो पैसिफिक ओशियन कवर करता है मरियाना ट्रेंच जो है डिपेस्ट पार्ट है ये भी बता दिया तो पैसिफिक ओशियन ऑलमोस्ट सर्कुलर इन इनसे पैसिफिक ओशियन कैसा सेप में है सर्कुलर है सेप में ठीक ना और पैसिफिक ओशियन के आसपास कॉन्टिनेंट कौन से हैं तो देखिए इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया इधर साउथ अमेरिका हो गया ठीक इधर पैसिफिक ओशियन है तो आपका एशिया भी हो गया और इधर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया तो वही बता रहा है एशिया ऑस्ट्रेलिया थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड और पैसेफिक के बाद जो है सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है वो है अटलांटिक ओशियन ठीक ना ये कैसा सेप है ये एस सेव्ड है ध्यान रखिएगा ये एस सेव्ड है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड इसके वेस्टर्न साइड में नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है यह अटलांटिक ओशियन है तो इधर है नॉर्थ अमेरिका इधर है साउथ अमेरिका और इसके ईस्टर्न साइड में कौन सा है यूरोप है और आपका नीचे अफ्रीका है ठीक ना ये ध्यान रखिएगा और ये इरेगुलर शेप है देखिए इसका जो आ, ये कोस्टल लाइन जो बनाता है ना वो इरेगुलर शेप में बनाता है इस तरह से बिल्कुल ठीक तो इंडियन ओशियन इज द वन ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री डेट इज इंडिया इंडियन ओशियन ही एक ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे इंडिया

नॉर्थ वर्ड सिक्सटी डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है ठीक द ओशियन इज लोकेटेड विद इन द दर्टिक सर्किल आर्टिक ओशियन कहा आर्टिक सर्किल है उधर नॉर्दर्न एंड एंड हाफ डिग्री नॉर्थ नॉर्थ पोल के बीच में जो आर्टिक ओशियन है ठीक और इसमें इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ सेलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट और ये जो है पैसिफिक ओशियन और आर्टिक ओशियन कैसे कनेक्ट होता है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ सेलो वाटर से जिसे हम बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं ठीक ये ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत क्वेश्चन आता है इससे बेरिंग स्ट्रेट से तो आर्टिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है एंड इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया और नॉर्दर्न कोस्ट में ऊपर की ओर नॉर्थ अमेरिका है और आपका क्या है यूरेशिया है अब देखिए एटमोसफेयर एटमोसफेयर के बारे में पढ़ते हैं एटमोसफेयर क्या होता है तो एटमोसफेयर क्या है द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमोसफेयर अर्थ जो है एक लेयर ऑफ गैस से सराउंडेड होता है और उसे हम उसे ही हम एटमोसफेयर कहते हैं दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लान प्लानट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इट प्रोवाइड अस एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन ये हमें एयर प्रोवाइड करता है जो हम ब्रेथ करते हैं एंड हमें जो हार्मफुल इफेक्ट्स एफ, है सन रेज का जैसे अल्ट्रावाइलेट रेज और ये सब बहुत सारे ऐसे रेज आते हैं जो हार्मफुल है उसको ये उससे हमें प्रोटेक्ट करता है द एटमोस्फेयर कितने तक हाइट तक है सिक्सटीन किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इंटू फाइव एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड करते हैं ठीक? जैसे पहला जो है ट्रोपोस्फेयर होता है फिर स्टेटोस्फेयर मेसोफेयर थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर ठीक द एटमोस्फेयर इज कम्पोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर किस चीज से मेनली बना हुआ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से 78 नाइट्रोजन है और परसेंट जो है आपका ऑक्सीजन है और 1 जो सब उसी में ऑक्सीजन इज ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल्ड नाइट्रोजन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज ऑक्सीजन हम ब्रेथ करते हैं और नाइट्रोजन जो क्या में मदद करता है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज में ग्रोथ होने में मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना जो आ, जो अपना अर्थ है जब हीट को रेडिएट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही लेयर है कि जो आ, 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 हीट को जो है ना बाहर नहीं निकलने देता है अदरवाइज अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो अपना जो अर्थ है इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता कि हम यहाँ पे रह नहीं पाते लेकिन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाता है तो वो क्या करता है कि जो अर्थ से हीट रेडिएट होता है उसको मतलब निकलने ही नहीं देता है तो इसलिए जो अर्थ है हमारा ज्यादा गर्म होता जा रहा है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होता जा रहा है इसीलिए हम कहते हैं कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी ये गैसेज हैं जो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है उसे हमें कंट्रोल करना है ठीक द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेरीज विथ हाइट अच्छा एक चीज आपको बता देता हूं कि डेंसिटी टेम्परेचर और आपका डेंसिटी हो गया टेम्परेचर हो गया और प्रेशर तो डेंसिटी ऑफ एयर जो है हाइट के साथ क्या होगा डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ये डिक्रीज करेगा डेंसिटी ऑफ एयर ठीक क्यों अब इसी से आप ये ध्यान रखिए कि ऊपर लोग जाते हैं जैसे पहाड़ पे तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है क्योंकि ऊपर में ना ऑक्सीजन बहुत कम है डेंसिटी ऑफ एयर कम है तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो उससे इससे ब्रेथ करते हैं तो टेम्परेचर भी हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्या होगा टेम्परेचर हमारा ये भी डिक्रीज करेगा ठीक और प्रेशर प्रेशर ऑफ द एयर ये भी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये भी डिक्रीज करेगा तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ऊपर जाएंगे तीनों चीज डेंसिटी ऑफ एयर टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द एयर क्या होगा डिक्रीज करेगा अब बायोस्फीयर मैंने आपको बता दिया कि बायोस्फीयर क्या होता है वही है जहां पे तीनों चीज मिलता है लैंड वाटर और एयर और सस्टेंस लाइफ करता है द ऑर्गेनाइज इन द दायोसफियर में ब्रॉडली भी डिवाइडेड इन टू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम दो ब्रॉडली डिवाइड है ऑर्गेनाइज एक प्लांट किंगडम है एक एनिमल किंगडम है ठीक और मैंने सीओ टू के बारे में बता ही दिया कि सी ओ टू ग्लोबल वार्मिंग में कैसे वो होता है अगर सी ओ टू ज्यादा हो जाएगा तो हीट रेडिएट नहीं हो पाएगा और इसलिए हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा लेकिन अगर इस लेकिन सी ओ टू रहना जरूरी है लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में लिमिटेड अगर रहेगा सीओ टू तो अर्थ जो है वो इतना गर्म रहेगा ताकि हम यहाँ पे रह सकें अब ये होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं ठीक व्हाट आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ क्या क्या है तो आप इसे याद रखिएगा एच ए एल बी एच एल है ना हिंदुस्तान ऑर्ोनिटक्स लिमिटेड बैंगलोर में इस तरह से आप याद रख लीजिएगा इससे हाइड्रोस्फियर एटमोसफियर लिथोस्फियर और बायोस्फेर नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ मेजर कॉन्टिनेंट्स क्या है अर्थ के कितने हैं सेवन कॉन्टिनेंट्स है ना अर्थ के मेजर उसमें आपका आ जाएगा एशिया अफ्रीका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अटलांटिका यूरोप ऑस्ट्रेलिया ठीक इस तरह नेम द टू कॉन्टिनेंट डेट नाइन इन द साउदर्न हेमस्फियर साउदर्न हेमिस्फियर में दो ऐसे कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं तो एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया और एक हो गया आपका अंटार्क्टिका दो है ना जो दोनों नीचे की ओर हैं। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ़ द एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स क्या क्या हैं? तो मैंने आपको बता दिया थ्रोस्ट्रोपोस्फेयर, ठीक? स्टेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और आपका लास्ट टेक है एक्सोस्फेयर। ये फाइव लेयर्स ऑफ़ एटमॉस्फेयर ह वाई इज द अर्थ कॉल द ब्लू प्लान अर्थ को ब्लू प्लान क्यों कहते हैं क्योंकि टू बाई थर्ड ऑफ द अर्थ कंटेन वाटर और ऊपर से हम जब देखते हैं स्पेस से तो ये हमें ब्लू नजर आता है इसलिए इसे ब्लू प्लानिट कहते हैं वाई इज द नॉर्दर्न हमिस्फेयर कॉल द लैंड हमिस्फेयर नॉर्दन हेमिस्फेयर को हम लैंड हेमिस्फेयर क्यों कहते हैं बिकॉज ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मार्स लाइज इन द नॉर्दर्न हमिस्फेयर इट इज मोर देन सेवेंटी टोटल लैंड एरिया लैंड एरिया जितना भी है ना हमारा उसका सेवेंटी परसेंट नॉर्दर्नोस्फेर में इसीलिए लैंड हेमस्फेयर भी कहते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइफ सस्टेन्स करने के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो बायोस्फेयर में है जैसे फूड है वाटर है एयर है इसीलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिविंग ऑर्गेनाइज के लिए अब देखिए करेक्ट आंसर टिक करते हैं द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप एंड एशिया यूरोप और एशिया को कौन सेपरेट करता है यूराज और कॉन्टिनेंट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाई किससे से से स्थुमस ऑफ पनामा बोलते हैं ना इसको द मेजर कंसिस्टुंट ऑफ एटमोस्फियर बाई परसेंटेज इज सबसे मेजर कंसिस्टेंट क्या है वो है आपका नाइट्रोजन ये कितना है लगभग सेवेंटी एट परसेंट ट्वेंटी वन परसेंट और ये वन परसेंट में बाकी लगभग सारे गैसेज हैं ठीक द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज सॉलिड रॉक जिसमें उसे क्या कहते हैं डिथोस्फियर पानी है तो हाइड्रोस्फियर एयर है तो एटमोस्फियर विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है तो एशिया है फिर इन डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज डीपेस्ट पॉइंट क्या है मैरियाना ट्रेंच है और चैलेंजर डीप बी से कहते हैं ध्यान रखिएगा पैसिफिक ओशियन में द ओशियन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री कौन सा ओशियन इंडियन ओशियन द इज ए कांटेक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एयर इसे क्या कहते हैं बायोस्फेयर द कॉन्टिनेंट और यूरोप एंड एशिया इज यूरेशिया टूगेदर नाम यूरेशिया बोलते हैं इसे द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और अगर आपको ये पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू